प्रॉब्लम में बोल रखा है ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट ग्राफ ऑफ दिस एंड फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय दिस कर्व। सो देखते हैं अपन इसको कैसे कर सकते हैं। सो कर्व दे रखा है अपन को मोड ऑफ वाई प्लस वन माइनस मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो पहले इसको ड्रॉ करता है, तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर से, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का यूज करके अपन इस तक पहुंचेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले इसका कर्व कुछ इस तरीके का बन जाएगा। मैं वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व ग्राफ कैसे बनाता है, सिंपल पैराबोला तुम्हें पता होगा। अब यहाँ पर तुम क्या कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई तो ये दे रखा है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस वाई का ग्राफ बनाओगे। सो ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर इस तरीके से, सो इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। सो इस तरीके का ये बन जाएगा ये ग्राफ। तो यहाँ पर ये अपना हो जाएगा माइनस, वो क्या, प्लस ऑफ रूट 5,0 एंड ये हो जाएगा अपना माइनस ऑफ रूट 5,0। इस तरीके से ये अपना बन गया। अब अगर अपन ग्राफ बनाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस मोड ऑफ वाई का, तो इस केस में ये जो ग्राफ है इतना इतना ही अपन लेंगे जो इस पोर्शन का, और उसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, इतना ही तुमने ग्राफ लिया और यहाँ पर तुमने इसका रिफ्लेक्शन कर दिया इस तरीके से। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा, और ये पॉइंट तुम्हारा 0,5 होगा, ये पॉइंट तुम्हारा 0,-5 होगा, ये √5,0 एंड ये -√5,0। इस तरीके का ये कुछ ग्राफ बन गया। उसके बाद यहाँ पर अपन x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस मोड वाई का बनाएंगे। सो ये बनाएंगे तो यहाँ पर -1 पर, अब यहाँ पर ये खींच देता हूँ मैं एक लाइन। सो ये -1,0 है। सो अपना ग्राफ एक्स एक्सिस पे अब यहाँ से चालू होगा, मतलब इसको अपनी एक्सिस मान के वही ग्राफ ड्रॉ करना है बेसिकली जो अपन ने अभी किया है। सो कुछ इस टाइप का आएगा। सो अब ये जो पॉइंट है वो √5-1,0 हो जाएगा, ये पॉइंट अपना -√5-1,0 हो जाएगा। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, तो ये -√5-1,0 हो जाएगा। और ये पॉइंट अब अपना देखोगे तो यहाँ पे 0,4 हो जाएगा, और यहाँ पर 0,-4 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करके देख लेना, तो 4 पुट करोगे तब भी वाई की, मतलब यहाँ पे 4 पुट करोगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, और -4 पुट करोगे तब भी यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी दोनों ही केस में। सो ये यहाँ पर इस तरीके से आ गया, और ये तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू -1 वाली लाइन है। सो एक तो ये हो गया अपना। अब अपन यहाँ पे ड्रॉ करता है x-1 का होल स्क्वायर 5 माइनस मोड ऑफ वाई। सो इस केस में अब की बार ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इधर की तरफ शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप का बनेगा। तो अब की बार ये जो कोऑर्डिनेट है वो 1+√5,0 हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट अपना -√5+1,0 हो जाएगा। ये अब अपनी x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, ये अभी भी 0,4 है एंड ये अभी भी 0,-4 है। सो इस टाइप का बन जाएगा, और यही तो ग्राफ अगर तुम देखोगे। सो इसमें अपन को रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर बेसिकली, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5-mod of y इज इक्वल टू 1-mod of x का होल स्क्वायर। यहाँ पे अभी अपन ने दो ग्राफ बनाए, 5-mod of y 1+x का होल स्क्वायर एंड 5-mod of y 1-x का होल स्क्वायर, ये दो ग्राफ ही थे। अब इन दोनों को अपन कंबाइन कर देंगे। सो कंबाइन करने के बाद अगर तुम देखोगे, सो ये वाला पोर्शन जब मैं इसके साथ कंबाइन करूंगा तो एकदम कैंसिल हो जाएगा ये वाला पोर्शन, और इस टाइप का अपना ग्राफ बनेगा नया। सो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का इधर बनेगा एंड ये कुछ इस टाइप का इधर बनेगा, एकदम सेम होगा दोनों। तो इस टाइप का भी ये बन जाएगा। यहाँ पर चेक करोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये अपना यहाँ पर ये एक्स इज इक्वल टू 1 वाली लाइन होगी, ये एक्स इज इक्वल टू -1 वाली लाइन होगी, ये वाला पॉइंट 1+√5,0 होगा, और ये वाला पॉइंट अपना 1-√5,0 होगा, और ये वाला पॉइंट अपना 0,4 होगा, ये वाला पॉइंट अपना 0,-4 होगा। बेसिकली इन दो ग्राफ को अपन ने कंबाइन कर दिया। सो ये अपना टोटल जो पूरा ग्राफ हो गया किसका,
मोड ऑफ वाई प्लस वन माइनस मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव का, वो अपन को इसका एरिया निकालना है। सो तुम देख सकते हो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल लूँ और उसका 4 टाइम्स कर लूँ तो सेम ही आएगा वो। सो क्योंकि एक्स एंड वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ग्राफ, अगर तुम चेक करोगे तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा कि ये 0 है, सो 4 टाइम्स अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ 0 से 1 प्लस रूट फाइव वाई डी एक्स, तो ये मेरा हो जाएगा इसमें काम, 0 से रूट फाइव इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स करके 4 टाइम्स। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूँ सिर्फ अभी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर देख सकते हो इक्वेशन, यहाँ पर वाई पॉजिटिव है तो इस टाइप की बन जाएगी, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, एंड वाई इज इक्वल टू तुम्हारे पास 5 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं वाई की जगह वही पुट कर दूंगा, 5 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डीएक्स, और यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन तुम सिंपली कर सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रूट 5 माइनस, यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर अगर देखें तो अपन इतना हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर ये रूट ऑफ 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा अपर लिमिट पुट करने पर, एंड यहाँ पर 0 पुट करोगे तो -1/3 आएगा जो कि +1/3 हो जाएगा इस तरीके से। सो यहाँ पर ये हो गया 4 टाइम्स 5 प्लस 5 रूट 5 -5 रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 +1/3। सो अगर अपन चेक करें तो कितना हो रहा है, 4 टाइम्स ये हो गया अपने पास 16/3, एंड ये हो गया अपने पास 10 रूट 5 डिवाइडेड बाय 3। सो लास्टली यहाँ पर अगर अपन चेक करें, यहाँ पे शायद थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये अपना इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा, जब लिमिट पुट करेंगे तो √5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आएगा, एंड माइनस टाइम्स यहाँ पे पुट करोगे से -1/3 आएगा जो कि +1/3 हो जाएगा, लेकिन बाहर भी एक यहाँ पे माइनस साइन लग रहा है, सो ये अभी भी यहाँ पे माइनस ही रहेगा। सो ये थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर, इसको ठीक कर लो, अभी भी ये माइनस का, क्योंकि इधर ये प्लस हो जाएगा और फिर ये दोनों, ये पूरा प्लस में है और बाहर ये माइनस का साइन है, सो ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा, और सो यहाँ पर भी इसको ये चेंज कर लो, तो इधर ये यहाँ पे 14 हो जाएगा, एंड बाकी तो ठीक है। सो यहाँ पर 2 और कॉमन ले लेता है, सो इस तरीके से अपना यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 रूट 5। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।